नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से 5050 नंबर की हेल्प से कार का चित्र बनाना सिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बस आप जल्दी से मार्कर पेपर पेंसिल उठा लीजिएगा और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिए। पहले आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, एक छोटा सा पॉइंट लगाकर दो सर्किल बना लीजिएगा, ये बहुत ही आसान है। फिर इसके बाद आपको 5050 नंबर कैसे लिखना है इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ से दोस्तों जस्ट आगे के ही साइड में आपको हल्का सा हाफ सर्कल बना, बहुत ही हल्का सा अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पर इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर आपको इसको नीचे की तरफ यहाँ पर बढ़ाना होगा, इस तरह बढ़ा दीजिएगा। बढ़ाने के बाद ध्यान से देखिएगा, जो हमने एक सर्किल बनाया है जस्ट इसी के ऊपर आपको एक बड़ा सा हाफ सर्किल बनाना होगा। यहाँ से ऐसे करिएगा, इसको हम नीचे की तरफ इस तरह बढ़ा देंगे। तो ये हो गया हमारा 5 नंबर। 5 नंबर लिखने के बाद बीच में इस पॉइंट का यूज करते हुए एक आप छोटा सा 0 नंबर यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह आपको सेम प्रोसेस यहाँ पर भी रिपीट करना होगा। एक लाइन इधर ड्रॉ करिएगा, इसको हम यहाँ पर इस तरह बढ़ाएंगे। फिर दोस्तों आप एक हाफ सर्किल बनाते हुए यहाँ पर ऐसे कर दीजिएगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है आपको कार का चित्र बनाना आ जाएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और ड्राइंग बनाएं तो भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपके लिए वो ड्राइंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना सिखा देंगे। यहाँ तक हो जाने के बाद आपको इस वाले लाइन को जो हमने हाफ सर्किल बनाया है इसको थोड़ा सा आप नीचे की तरफ यहाँ पर ऐसे बढ़ाइएगा। इधर से स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। लाइन को ड्रॉ करने के बाद इधर से आप बहुत ही सावधानीपूर्वक इसको आप डबल कर दीजिएगा। डबल हो जाने के बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हल्का सा हाफ सर्किल बनाते हुए इसको आप अंदर की तरफ यहाँ तक ले जाइएगा। जहाँ तक आपने हाफ सर्किल बनाया है केवल वहीं तक आपको ले जाना होगा। फिर ऊपर के साइड में आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, एक लाइन इधर बढ़ाइएगा। फिर ऊपर के ही साइड में आपको इस लाइन को आगे की तरफ इस तरह बढ़ाना होगा। बहुत ही ध्यान से करिएगा, कोई जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिएगा। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं दोस्तों तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। इधर से हल्का सा अंदर की तरफ करते हुए इसको हम पीछे की तरफ इस तरह बढ़ाएंगे। यहाँ तक हो गया हमारा। फिर इसको नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिएगा, इधर से हम इसको ऐसे मिलाएंगे। नीचे के सिरे से आपको डबल करना होगा दोस्तों, यहाँ से ऐसे करिएगा, ये हो जाएगा हमारा डबल। डबल हो जाने के बाद ध्यान से देखिएगा, अब इस सर्किल को जो हमने पहले से एक सर्किल बनाया था इस सर्किल को आप डार्क कर दीजिएगा, तो इसका यानी कि इस कार का व्हील बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरह आपको सेम प्रोसेस यहाँ पर भी रिपीट करना होगा, इधर ऐसे करिए। और दोस्तों अभी हम आपको इस कार को कलर भी करना सिखाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। इधर से एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करेंगे हम, यहाँ पर भी आपको एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करना होगा। इधर भी ऐसे बढ़ाइए, यहाँ पर भी बढ़ा दीजिएगा। लाइन को बढ़ाने के बाद यहाँ पर आप इस तरह मिलाइएगा। देखिएगा ध्यान से, ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया हुआ है इस पर आपको एक पेंसिल का यूज करना होगा। पेंसिल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन आप यहाँ पर ऊपर के साइड में हल्की सी ड्रॉ कर देंगे तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी बनाने में। इधर बनाइएगा, इस साइड से आप छोटी सी लाइन इधर ऐसे अंदर की तरफ करेंगे। फिर आपको तिरछी लाइन इधर भी ऐसे ड्रॉ करना होगा, यहाँ पर ऐसे मिलाइएगा। इसको भी आप ऐसे डार्क कर देंगे। डार्क हो जाने के बाद दोस्तों इधर से एक लाइन ड्रॉ करिए, ये हो जाएगा। फिर एक स्ट्रेट लाइन अंदर की तरफ करिएगा, नीचे की तरफ करिए, इधर ऐसे मिलाइएगा। ये वाला सिरा आपको ऊपर की तरफ यहाँ तक ऐसे बढ़ाना होगा। बढ़ाने के बाद इधर से आप नीचे की तरफ मिलाइएगा, यहाँ से भी आपको नीचे की तरफ इस तरह मिलाना होगा। इधर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा और आपको यहाँ पर एक लॉक भी बनाना होगा दोस्तों, यहाँ पर भी ऐसे लॉक बना दीजिएगा। लॉक बनाने के बाद जस्ट आगे के ही साइड में आप हेडलाइट भी बना दीजिए। देखिए कितनी आसानी से हमारा कार का चित्र बन के तैयार हो गया दोस्तों। चलिए अब हम आगे के सिरे पर एक विंडो यानी कि आगे वाला जो हमारा मिरर होता है उसको भी हम यहाँ पर बना देंगे। चलिए अब हम आसानी से इस कार को कलर भी करना सीख लेते हैं।